न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन सलमान आगा ने रच दिया इतिहास। सलमान ने तूफानी शतक ठोक पाकिस्तान को पहुंचाया 400 के पार। जी हां दोस्तों, आखिरकार सलमान आगा ने रच डाला कौन सा बड़ा इतिहास, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के 29 साल के बल्लेबाज आगा सलमान ने भी अपने कप्तान बाबर आजम के नक्शे कदम पर चलते हुए शतक जड़ दिया है। उन्होंने कराची टेस्ट की पहली पारी में 146 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो कि उनके टेस्ट करियर का पहला शतक रहा। यह शतक उनके करियर के छठे टेस्ट मैच में आया है। इससे पहले आगा सलमान के बल्ले से सिर्फ 3 अर्धशतक निकले थे, लेकिन पहली बार उन्होंने टेस्ट शतक जड़ा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में शतक आगा सलमान के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला है। इससे उनका मनोबल बढ़ा होगा। अपने शतक को पूरा करने के लिए इनिंग के दौरान आगा सलमान ने 17 चौके का सहारा लिया। उन्होंने चौके के साथ ही अपने पहले टेस्ट शतक की स्क्रिप्ट लिखी। 29 साल के पाकिस्तानी बल्लेबाज की पारी का अंत हालांकि कराची टेस्ट में शतक के तुरंत बाद खत्म हो गया। आगा सलमान ने पहली पारी में 155 गेंदों पर 103 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 17 चौके ही शामिल रहे। इस शतक के बाद अब उनके टेस्ट करियर में 6 मैच की 11 पारियों के बाद 370 रन हो गए हैं। ये रन उन्होंने 41 की औसत से बनाए हैं। आगा सलमान का विकेट गिरने के साथ ही कराची टेस्ट में पाकिस्तान की पारी का भी अंत हो गया। आगा सलमान टीम के आखिरी विकेट के तौर पर गिरे। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 438 रन बना लिए हैं। अब न्यूजीलैंड के सामने पहले तो इस स्कोर से पाने का चैलेंज होगा, उसके बाद जीत या हार का सोचने की। बता दें कि कराची टेस्ट का आज दूसरा दिन है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।